हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन बीम में कहाँ पे लाई करता है। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है या हो जाए कैंटिलीवर बीम है, तो इन दोनों बीम में आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेशन जोन कौन सा है, टेंशन जोन कौन सा है। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप किसी डिज़ाइन फील्ड में, डिज़ाइन सेक्टर में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपसे एक बता देगा सिंपली सपोर्टेड का, आप बताओ कि टेंशन जोन कौन सा है, कंप्रेशन जोन कौन सा है। ठीक है, टेंशन जोन में आप जानते हो कि जो स्टील होता है वो ज्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट वहां पे वीक होता है और उसी टेंशन जोन को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो हम आज के वीडियो में यही मैं आपको कंफ्यूजन सारा क्लियर कर दूंगा कि बीम में अगर सिंपली सपोर्टेड या कैंटिलीवर दोनों ही हो, दोनों में न्यूट्रल एक्सिस जो डिवाइड करता है एक बीम को, उसमें कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन कहाँ पे होता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सपोज मान लीजिए ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड मतलब आपका यहां भी सपोर्ट है और यहां भी सपोर्ट है, बीम को बस रख दिया गया है। ठीक है, फिक्स है। तो चलो मान लेते हैं ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए और मेरे जो इंटरव्यू का सीरीज है वो सब आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब दोस्तों तक शेयर कीजिए, खुद तक मत रखिए, सबको हेल्प कीजिए, भगवान आपकी हेल्प करेगा, तब देख लेना। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जिसको भी इंटरव्यू रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो, वहाँ पे प्लेलिस्ट है इंटरव्यू का मेरा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर एक एक वीडियो के अंदर अगर 10 क्वेश्चन भी आपको मिलता है तो सोच लो कितना लंबा स्टॉक हो जाएगा इंटरव्यू का। तो हर वीडियो को जाकर देख लो, आपका इंटरव्यू क्लियर होगा ही होगा। बहुत सारे मेरे ऐसे यूजर्स हैं जो वीडियो देख के बहुत सारे इंटरव्यू क्लियर करते हैं, जो मुझे मेल भी करते हैं, आपको कमेंट में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। ये सपोर्ट हो गया, ये बीम हो गया, ये 20 से आपका जा रहा है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, आपको इंटरव्यू में ऐसे आंसर देना है, बीम है ये आपका हो गया एनए, एनए का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब हमें जानना है कि कंप्रेशन जोन कहाँ है, नीचे वाला या ऊपर वाला, और टेंशन जोन कौन सा है, नीचे वाला या ऊपर वाला। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैं इसके अंदर एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, ये रेनफोर्समेंट हो गया, ये बॉटम बार है। ठीक है, बॉटम बार, अब ऊपर से आप लोड डालो, जब लोड डालोगे तो बीम का टेंडेंसी जैसा होगा मूवमेंट करने का, आपका रेनफोर्समेंट का टेंडेंसी भी होगा वैसे ही मूव करने का। तो जब ऊपर से हम लोग जब लोड डालेंगे ना यहाँ पे, तो ये जो बीम है ये बीम का टेंडेंसी कैसा होगा, ये बीम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करने की उस कोशिश करेगा। सेम ये रेनफोर्समेंट जो है ये भी इस तरीके से जाने की कोशिश करेगा। तो अब एक चीज देखो, ध्यान दीजिएगा, नीचे के बारे में क्या हो रहा है, इस बीम में क्या हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर से लोड आ रहा है ना, यहां से जब ऐसे लोड गिरेगा तब नीचे वाला जो पार्ट है वो देखिए बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसका इनिशियल पोजिशन था ऐसा, अब देखिए ये कर्व का रूप ले रहा है, कर्व का मतलब ये इधर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो रहा है ना, ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अंदर जाने का मतलब होता है कंप्रेशन। ठीक है, ये कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस मतलब अगर कोई एक बार है उसको आप ऐसे चापोगे, समझ गए, ऐसे जब चापोगे तो क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, और टेंशन मतलब क्या हो गया, टानना। तो देखो नीचे की तरफ में जब ऊपर से लोड आ रहा है तो ये टना रहा है, समझ गए, ये ऐसे टेंस हो रहा है और ऊपर से कंप्रेस्ड हो रहा है, मतलब ये पार्ट कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है, ये पार्ट कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है। सेम यही भी यही होगा, जब ये लोड गिरेगा ना तो ये बीम का टेंडेंसी ऊपर वाले पार्ट में ऐसे होने की कोशिश करेगा, कंप्रेस होने की, और नीचे वाला पार्ट जो है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इससे आप क्या समझ गए, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट जो है वो होता है आपका टेंशन जोन।
ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट होता है आपका कंप्रेशन जोन। क्लियर हो गया मेरी बात, पॉइंट पूरा क्लियर? ठीक है, इसको मैं मिटा के एक अच्छा स्केच बना के आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल सा बात है, ये बीम है, जब इस पे आप लोड डालोगे तो ये इस तरीके से अपना रूप ले लेगा। इसका मतलब क्या है, ये पार्ट जो है ये अंदर जाने की सोच रहा है। इसका मतलब ये अगर न्यूट्रल एक्सिस है, इसमें आप मान लो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये आपका कंप्रेशन जोन हो गया और ये आपका टेंशन जोन हो गया। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन वीडियो में मैं मान रहा हूँ थोड़ा बड़ा खींच रहा है, लेकिन सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं शॉर्टकट पे नहीं बता पाता हूँ। शॉर्टकट जो बताते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, और मैं यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बच्चों की तरह ही सिखाता हूँ। जैसा मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आप लोगों को वैसे ही सिखाता हूँ। तो ये समझ में आ गया, सिंपली सपोर्टेड में कंप्रेशन ऊपर, टेंशन नीचे, न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड करता है। अब बात करते हैं हम लोग कैंटिलीवर की। तो कैंटिलीवर बीम का मतलब आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे बैल्केनी, वो ज्यादातर ये आपका सपोज बीम निकला हुआ है, ये सपोर्ट है आपका। ठीक है, सपोज मान लो ये सपोर्ट है आपका, जा रहा है वहां से एक बीम ऐसा निकला हुआ है, तो ये कैंटिलीवर है। सपोर्ट सिर्फ एक साइड पे इधर है। ठीक है, तो इसमें सेम, इसमें देखो न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका एन ए हो गया, मतलब न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे सेम वही फंडा आपको यूज करना है जो अभी ऊपर किया था। ठीक है, आप चलो ऊपर से इस पे लोड डालो। ठीक है, यहाँ पे लोड डालो। लोड डालने पे क्या होगा, ये बीम का टेंडेंसी होगा ऐसे मूव करने का। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। जब यहाँ पे लोड डालेगा ना, तो ये पार्ट बाहर जाने की सोचेगा। बाहर जाने का मतलब ही है टेंशन, और जैसे ये बाहर जाने की सोचेगा, यहाँ पे ये पार्ट अंदर जाने की सोचेगा। समझ गए? तो ये हो जाएगा आपका। तो यहां से क्या पता चल रहा है, जब अंदर जा रहा है मतलब कंप्रेशन, अभी मैंने बताया जब दो पास से कंप्रेस करते हो ऐसे, तो वो होता है कंप्रेशन आपका। तो यहां क्या हो गया, कंप्रेशन, और ऊपर क्या हो गया, टेंशन, बाहर जा रहा है, पुल हो रहा है इधर से। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये आपका है, तो ये ऊपर में हो गया आपका टेंशन और नीचे हो गया आपका कंप्रेशन जोन। इसलिए मैं क्या बोला, कंक्रीट, ध्यान दीजिएगा बात, कंक्रीट जो होता है वो टेंशन जोन में वीक होता है, इसलिए उस जोन में हम लोग ज्यादा स्टील प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट को स्ट्रांग करने के लिए। इसलिए आप एक चीज गौर कीजिएगा, जो कैंटिलीवर होता है ना, कैंटिलीवर में टॉप में स्टील ज्यादा होता है। यहाँ पे देखिएगा, इसका स्टील ज्यादा होता है, और बीम जो नॉर्मल बीम है सिंपली सपोर्टेड, उसमें आप लोग देखिएगा जो बार होता है ना, वो ज्यादा बार आपका बॉटम में देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉटम उसका टेंशन जोन होता है जो ज्यादा वीक है कॉन्क्रीट के लिए। इसलिए नॉर्मल बीम में आप नीचे देखोगे रेनफोर्समेंट ज्यादा होता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे लैप वाला पार्ट, अच्छा छोड़ो लैप वाला बात, दूसरा दूसरे में दिखा दूंगा। अब यहां तक क्लियर हो गया, बस यही है, उल्टा होता है कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और यही रीजन है कि हम लोग कैंटिलीवर में ऊपर स्टील ज्यादा प्रोवाइड करते हैं और नॉर्मल वाले में नीचे प्रोवाइड ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, क्योंकि पानी की तरह बताया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग जैसे मेरे इंटरव्यू के जो मैं वीडियो सब डाल रहा हूँ, हर वीडियो में लेक्चर में क्या करता हूँ, मैं 8 से 10 वीडियो लाता हूँ, 8 से 10 क्वेश्चन लाता हूँ, और उस पर मैं इंटरव्यू का एक जिस्ट बताता हूँ एमसीक्यू टाइप में, ताकि आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, मैं तो क्वेश्चन डालूंगा ही, आप भी कोशिश करो कि हर वीडियो के कमेंट में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डालो, आपका जो डाउट है, आपसे जो इंटरव्यू पूछा गया वो सब डालो। मैं कोशिश, आप लोग कोशिश करना कि प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड डालना, क्योंकि बुक क्या, थियोरिटिकल अगर आप कुछ डालते हो तो वो आप गूगल करके भी, बुक से खोज कर, कहीं से भी देख के आप उसका आंसर पता कर सकते हो, बट जो प्रैक्टिकल फील्ड रिलेटेड बातें होती हैं उसका आंसर बुक में हमें जल्दी नहीं मिलता है। तो प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कमेंट को भर दो उससे, मैं वहां से सिलेक्टेड
क्वेश्चन उठाऊंगा, या कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक को, हर वीडियो में मैं क्या करूंगा, 10-10 क्वेश्चन उठाऊंगा ताकि सबका क्वेश्चन वहां पे कवर हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन को भर दो जाके, कमेंट को भर दो क्वेश्चन से अपने। ठीक है, कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिकल का वीडियो, प्रैक्टिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आप लोग डालो, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि जब आप साइट पे जाओगे ना, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज ही वहां पे पूछेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।